Very good morning. I'm Shilpa. Welcome you all to the NCERT Live Phone-In Program. And our today's topic of discussion is Role of Museums in School Education. And to discuss this further, in the studio we have Professor Jyotsna Tiwari, designated as the Professor and the Head of the Department at Department of Education in Arts and Aesthetics in NCERT. Along with her, in the studio we have Ms.Komal, designated as the Assistant Curator at National Museum in New Delhi. I welcome both of you on today's show. Thank you. So let's proceed to understand our today's topic of discussion. Ma'am, first thing, hum sab samajhna chahenge ki museum kya hai aur Bharat mein museum kaise aaya, ye term. Okay. Bharat mein museum kaise aaya, is pe aaungi. Pehle to museum kya hai, agar hum uski hindi kare, then we will have a better, you know, understanding, because it's called sangrahalay. जहाँ पे सारा संग्रह रखा होता है, तो हमारे जो म्यूजियम्स हैं, दे आर द रिपोजिटरी ऑफ ऑल द नॉलेज, ट्रेडिशन, हेरिटेज वी हैव, बी इट इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, एनीथिंग वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट क्यूरेटेड. अभी इन टर्म्स पे हम आएंगे कि क्यूरेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, ये चीज़. पर वहाँ पे संग्रह चीज़ों का जो किया जाता है, जो हमारे किसी न किसी उससे जुड़ी रहती हैं, नॉलेज सिस्टम से, ट्रेडिशन से, उनको इन संग्रहालयों में रखा जाता है. और पहले कुछ समय पूर्व जो एक इसका हिंदी शब्द था, अजायब घर, कि अजीब अजीब चीज़ें जो है वहाँ पे रखी जाती थी. और स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इट वाज कॉल्ड अजायब घर. पर वो एक्चुअली अजायब घर न हो करके, बिकॉज दिस इज़ ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ. म्यूजियम में जो कुछ भी है, वो इवन अगर हमारे पास्ट से रिलेटेड है या प्रेजेंट से, अब म्यूजियम बहुत चेंज हो गया. शुरुआत में वो एक साइट म्यूजियम के तौर पे शुरू होता था, कि जहाँ पे खुदाई की गई या कुछ मिला. और इंडिया में म्यूजियम शुरू होने के पहले ब्रिटिश म्यूजियम था, या बाहर के जो म्यूजियम्स थे, यहाँ से भी जो भी कलेक्शन होता था वो बाहर ले जाया जाता था और वहाँ डिस्प्ले किया जाता था. बट धीरे धीरे जो हमारे यहाँ फिर म्यूजियम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और आज आप देखेंगे कि म्यूजियम्स हैव बिकम ए स्पेस ऑफ लर्निंग फॉर एवरीवन. आपको हर टॉपिक पे म्यूजियम, हर थीम पे मिलेंगे. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद आर्कियोलॉजिकल, जैसे पहले आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स ज़्यादातर होते थे, कि जो खुदाई में चीज़ें मिली या कहीं भी एक्सकवेशन हुआ उस तरह से, या कहीं पेंटिंग के कलेक्शंस थे, उनको लाके म्यूजियम में रखा गया. तो ये जो हमारे यहाँ फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ, और हमारे आप देखेंगे कि बहुत थीम के म्यूजियम्स आ गए. और हर लगभग हर क्षेत्र में आप जाएंगे इंडिया के, एवरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एवरी प्लेस विल हैव अ स्मॉल म्यूजियम. और हमारे यहाँ प्राइवेट कलेक्शन से लेकर के आप देखेंगे तो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, नेशनल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम म्यूजियम, क्राफ्ट्स म्यूजियम जिसको बोलते हैं वो है, टॉयलेट म्यूजियम है, फिलैटेली म्यूजियम है. दिल्ली में 30 से लगभग ज़्यादा म्यूजियम्स जो है. मैं मैम की ही बात पे ऐड करूँगी, किसी भी म्यूजियम के 3 तरीके के पर्पस होते हैं. पहला है टू कलेक्ट, यानी जो भी चीज़ है, आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स, उनको आप कलेक्ट करेंगे. दूसरा आता है टू प्रिजर्व, आपने जो कलेक्ट किया है वो आने वाली आगे की सदी भी देख सके, इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसे प्रिजर्व करें, यानी कि जहाँ कंजर्वेटर्स काम करते हैं. और लास्ट आता है टू डिस्प्ले, यानी जो हमने कलेक्ट किया, जो हमने प्रिजर्व किया, अब हम उसे डिस्प्ले में रख रहे हैं फॉर पब्लिक व्यूइंग. सबसे बड़ी बात है कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस में आप वो सब चीज़ देख सकते हैं जो कभी राजा महाराजाओं के तहखाने में होता था, कोई इजिप्ट के पिरामिड के अंदर से निकली हुई कोई मम्मी है, जो आम जनता नहीं देख सकती थी. वो ये म्यूजियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि ऐसे राजा महाराजाओं की चीज़ों को, रॉयल हिस्ट्रीज़ को, एंशंट रिलीजियस हिस्ट्रीज़ को, जो आप यदि आप उस रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नहीं देख सकते थे, बट बिकॉज दे क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर एवरीबडी, वन एंड ऑल, फ्रॉम वट एवर एज ग्रुप टू वट एवर एज ग्रुप. सो म्यूजियम्स डू दीज 3 बेसिक फंक्शंस एनी वेयर, दे कलेक्ट, दे प्रिजर्व एंड देन दे डिस्प्ले. राइट, सो म्यूजियम इज अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और मे बी फॉर द फ्यूचर. इट इज अ ब्रिज, इट इज अ स्टोरी, इट इज अ स्क्रिप्ट, इट इज अ वर्ल्ड इन इट सेल्फ.
राइट, वेरी वेरी ट्रू, यस। सो मैम, अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, रोल ऑफ म्यूजियम्स इन स्कूल एजुकेशन। सो इससे क्या समझा जाए? देखिए, स्कूल एजुकेशन में जैसे अभी हम मान के चलते कि हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005, उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो गाइडिंग, तो पहला ही प्रिंसिपल ये है कि टू रिलेट एजुकेशन विद द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल केवल एक बंद वो नहीं है, बल्कि स्कूल जो है आपके आसपास का समाज, आपके पास देश, और एक जो और एम्फेसिस उसमें की गई वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की की गई। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि आप कई चीज़ों का अनुभव करते हैं। अब आप पास्ट का अनुभव कैसे करेंगे, आप पास्ट से रिलेट कैसे करेंगे, आप साइंटिफिक जो हमारी नॉलेज रोज आ रही है उसको के साथ कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया वो था डायनासोर्स का जो डिस्प्ले जगह जगह उन्होंने किया, एंड आई थिंक दैट चिल्ड्रन हैड, चूँकि उनको एक इस तरह की क्यूरियासिटी, तो दे वर वेरी मच अट्रैक्टेड टू इट। तो एक तरह से एजुकेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि म्यूजियम्स आर द स्पेसेस फॉर लर्निंग, लर्निंग अबाउट योर ओन हेरिटेज, योर ओन पास्ट, हमारा क्या नॉलेज सिस्टम रहा है। अब मान लीजिए कि अभी कोमल जी इस पर और चर्चा करेंगी कि एक कोई ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ डिस्प्ले है, मान लीजिए कि वो कोई कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट्यूम हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई सिक्का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि वो अचानक तो कहीं से हुआ नहीं। उस समय, उस काल में धातु को कैसे मोल्ड किया जाता था, कैसे स्क्रिप्ट बनती थी, कैसे उस पर लिखा गया, उस वक्त की क्या भाषा थी, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है। और हम ये चीज़ें अपने हिस्ट्री में, सोशल साइंसेस में, आर्ट में चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चे सिक्के रोज देखते हैं, पर सिक्के पहले कैसे होते थे, कैसे वो इवॉल्व हुए, तो ये एक बड़ा मैं सिंपल सा ही एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ सिक्कों का। इसी तरह मूर्तियाँ हैं, सब कुछ, मतलब जो हमारे आसपास अभी भी हम देखते हैं, तो फर्नीचर से लेके जो भी आप नेम एनीथिंग, यू हैव अ नॉलेज सिस्टम, जो कि पहले कैसे लोग करते थे, किस तरह से ये था। मैम की ही बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये काफ़ी एक्चुअली, बिकॉज हम ये बात करते रहते हैं कि एजुकेशन, स्कूल और म्यूजियम, इन तीन चीज़ों को हम एक लाइन में किस तरीके से रखेंगे। तो अक्सर जब छोटे बच्चे म्यूजियम आते हैं तो ये मैं पसंद करती हूँ कि उनको सिखाने की बजाय, क्योंकि वो फ्रेश लुक से म्यूजियम को देख रहे हैं, हम तो पढ़ी पढ़ाई बातें ही कर रहे हैं। तो यदि हम देखें तो हमारे तीन तरीके के लैंग्वेज सिस्टम रहे हैं, ओरल ट्रेडिशन जिसमें बोल करके बताया जाता है, देर इज़ अ टेक्सचुअल ट्रेडिशन, पोथियाँ लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, एंड देर इज़ अ विजुअल ट्रेडिशन। नाउ दिस विजुअल ट्रेडिशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग। कई लोग सोचते हैं कि जो स्कूल की किताबों में वो पढ़ रहे हैं, यदि वो म्यूजियम जाएंगे तो वो देखेंगे। बल्कि उनको मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ पे आपकी स्कूल की किताबें खत्म हो रही हैं, वहाँ पे म्यूजियम आपको बताएगा कि आपको क्या देखना है, क्योंकि हो सकता है वो किताबों के लेखक ने भी उस चीज का वैसा अनुभव नहीं किया हो। जिसको हम सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं, आप उसके सामने खड़े होंगे। किसी भी विजुअल ट्रेडिशन में इतना पोटेंशियल है, कोई ग्रेनाइट पत्थर से कटा है, कोई बसाल्ट सॉल्ट रॉक से कटा है, कोई चुनार सैंडस्टोन से कटा है, कोई पतले पतले मतलब रेशों से, वो गिलहरी के रेशों से जो पेंट ब्रश बनते थे उनका पिगमेंट, कोई अल्ट्रामरीन ब्लू पिगमेंट लाके किसी ने वो पिगमेंट घिस के उसको पेंट किया है, किसी ने कढ़ाई की है, किसी ने कुछ किया है। तो वेन यू आर नियर द मटीरियल कल्चर, you learn much more, much more than you learn from a textbook which is a two-dimensional book over there. मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेती हूँ संकेत जी का। वो पूछना चाहते हैं, रूरल पार्ट ऑफ इंडिया लैक्स म्यूजियम, लाइक इन अर्बन स्पेसेस वी हैव लो लेवल और हाई लेवल म्यूजियम, वेयर एज रूरल पीपल डजंट इवन अवेयर ऑफ द म्यूजियम, वॉट स्टेप्स यू पीपल आर टेकिंग टू डील विद दिस इशू। इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली रहा है, इतना रिच रहा है, कि हर फैमिली में, और स्पेशली रूरल इंडिया में, तो इन चीज़ों को, शहर में बच्चों को म्यूज़ियम जाना पड़ता है देखने के लिए, पर आप देखेंगे कि हमारे गांव में एक नॉर्मल हाउसहोल्ड में
दादी की साड़ी होगी, कुछ ज्वेलरी होगी, नानी का कुछ सामान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ह्यूमन नेचर होता है, टेंडेंसी होती है टू कलेक्ट थिंग्स, तो वो अपनी चीज़ें बहुत सहेज के रखते हैं. आसपास उनके सारी कलाएं होती हैं, क्राफ्ट, जो कि ट्रेडिशनल हैं. कोई मोतियों से अपनी बेटी के शादी के लिए ज्वेलरी बुन रही है, कोई भील महिला कहीं कोई, तो ऐसा नहीं है. उनके यहाँ तरह तरह के बर्तन होते हैं, तरह तरह के पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें वो आसपास देख सकते हैं. तो हम आजकल जैसे ओपन म्यूज़ियम की बात करते हैं कि ओपन म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं लाइव. जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में, तो वहाँ अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग रूरल उसको ला कर के दर्शाया गया है. तो एक्चुअली ये तो स्टार्ट होता है वहीं से, जो कोमल जी ने बात पहली कही कि कलेक्शन, कलेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम दीज प्लेसेस. फिर आसपास के कस्बे हैं, कुछ है. एक जो हमारा मेन यहाँ मकसद है वो ये है कि टू डेवलप द कल्चर ऑफ विजिटिंग द म्यूज़ियम्स, जो हमारे यहाँ बच्चों में नहीं है. जिस चीज़ को अगर हम करें तो वो अपने आसपास चीज़ों को देखें, और फिर बाद में थोड़ा जब वो है देखें कि उस डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, क्योंकि हर गांव में हम म्यूज़ियम्स नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव. अगर हम उस तरीके से म्यूज़ियम को देखें जैसा वो कह रहे हैं संकेत जी की हाई लेवल और लो लेवल का, पहली बात तो हाई लेवल लो लेवल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम लोग एटलीस्ट म्यूज़ियम के उसमें नहीं ये करते हैं, सारे एनी रिपोजिटरीज ये. और जैसे किसी ने आगे ऑनलाइन म्यूज़ियम की भी बात की, तो हर म्यूज़ियम का अपना वेबसाइट है. हमारे ही एनसीईआरटी का जो नेशनल रिपोजिटरी है NROER, उसमें बहुत सारे हमने कलेक्शंस दिए हुए हैं, जो जगह जगह से हमने लेके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है. एक जगह सारा कुछ तो वो नहीं है, पर अगर हर म्यूजियम की अपनी वेबसाइट होती है, हर उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे है. अगर नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट की बात करूं तो नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो आते हैं, जो कमिंग अपकमिंग एग्जीबिशन हैं वो रहते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नेशनल म्यूजियम में हम करते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द मंथ, यानी हर महीने एक हर माह हम एक नई कलाकृति अपने रिजर्व, जो रिजर्व कलेक्शन है जो डिस्प्ले में नहीं रहता है, उसमें से निकाल के तो हर बार आप जब भी आएंगे आपको म्यूजियम में एक नई चीज़ मिलेगी देखने के लिए. और एक और क्वेश्चन की जो पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पीपल डोंट अलाउ, म्यूजियम्स डोंट अलाउ पीपल टू टच द सुवेनियर्स, यहाँ पे नेशनल म्यूजियम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हमने एक अनुभव गैलरी बनाई है. क्योंकि आप कलाकृतियों को तो टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी गैलरी है जो डिसेबल फ्रेंडली है, और वहाँ पे हमने जो अजूबे और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं उनका रेप्लिकाज बना के रखे हैं, एंड देर आर लेबल्स रिटन इन द ब्रेल. सो एनी विजिटर हु इज कमिंग, जनरली पीपल थॉट दैट इट इज़ ओनली अ डिसेबल फ्रेंडली स्पेस, ताकि जो देख नहीं सकते वो छू के महसूस करके ब्रेल में पढ़ के सीख सकें. बल्कि मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये हमारे लिए भी उतना ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि हम लोग और चीज़ों को तो नहीं टच कर सकते. तो मोर देन फॉर डिसेबल्ड और एबल्ड वॉट एवर, इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आप वो इंडस वैली की डांसिंग गर्ल को टच कर सकते हैं क्योंकि उसकी रेप्लिका बनी है. आप अवध के नवाब का सिक्का टच करके फील कर सकते हैं कि सिक्के में किस तरीके के उभराव हैं, किस तरीके से बना हुआ है. पीतलखोरा का बहुत एक जाना माना यक्ष है, उसको आप टच कर सकते हैं, उसके हाथ में इंस्क्रिप्शन है. आप ब्राह्मी का वो लेख एक बार छू के देख सकते हैं. तो ये इच्छा सभी में होती है कि एक बार टच करके फील करें. तो बाकी ऑब्जेक्ट्स को तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इश्यूज, बट नेशनल म्यूजियम एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करता है लोगों को दैट यू मस्ट कम एंड टच ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस डेजिग्नेटेड स्पेस इन दिस एरिया. वैसे भी कहते हैं कि अगर आपने टच करके एक्सपीरियंस किया है तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक रहता है. फिर एक और भी बात होती है, जैसे टेक्स्ट बुक की हमारी लिमिटेशन होती है या स्क्रीन की, कि हम किसी चीज़ को इतना ही बड़ा या इतना बड़ा ही देख सकते हैं. तो वो स्केल जब है, अब आप देखेंगे कि जैसे हम मोनालिसा के बड़े बड़े पोस्टर्स भी देखते हैं, पर म्यूजियम में जाएंगे तो वो एक बहुत छोटे लूवर में, इट्स अ वेरी स्मॉल पेंटिंग, या
जो अभी आपने इंडस वैली गर्ल, हाँ डांसिंग गर्ल, वो लगता है कि बहुत बड़ा फिगर है एंड इट इज दिस, और वो इतना छोटा सा है, तो एक वो भी आपको आइडिया होना कि किस तरह से चीज़ों का स्केल है, तो वो एक होता है. छूने का जहाँ तक है सवाल, कोमल जी तो खैर म्यूजियम से हैं, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस आइटम्स होते हैं और उनको मतलब ये नहीं है कि एक या दो व्यक्ति ही होते हैं म्यूजियम में, हर दिन आने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है. मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बच्चे और टीचर्स इस चीज़ को स्कूल में थोड़ा सा कि हमें म्यूजियम देखना है, और ज़रूरी नहीं है कि स्कूल्स ही वो ऑर्गेनाइज करें, पर ये बच्चों के अंदर हमारे जो टीचर्स हैं वो डाल सकते हैं कि वो जा करके देखें ऑन देयर ओन ऑल्सो, दे कैन टेक देयर पेरेंट्स. तो इधर उधर घूमने जाते ही हैं, निकलते हैं कि संडे की आउटिंग, संडे को सारे म्यूजियम्स खुले रहते हैं एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज या मंडे को जो है बंद होता है, अदरवाइज वो छुट्टी के सैटरडे संडे में भी खुला रहता है. स्कूल्स तो ले ही जाएं, पर बच्चों को पेरेंट्स के साथ भी जाएं, देखें, उसका अनुभव करें. तो बहुत सारी लर्निंग जो हम जिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं ना, वो अपने आप से भी होती है कि हम उस चीज़ का जब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग तरह की साड़ियां हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं, फर्नीचर है, तो उससे एक उनके अंदर में लर्निंग, एक क्यूरियोसिटी जागती है. Right. कि ये क्या चीज़ है, क्या मटेरियल है, कैसे बना होगा. मतलब अभी तो म्यूजियम्स की ही बात करें, पर जब हम जब उस ऑब्जेक्ट्स को कई बार इतने इंट्रिकेटली कार्व्ड होते हैं या इतना अच्छे से बने होते हैं, इवन आज के समय में भी जो कई हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आप देखेंगे, तो पहला आश्चर्य यही लगता है कि बना कैसे होगा, क्योंकि हम वो चीज़ें अदरवाइज नहीं विजुअलाइज कर पाते हैं इन्हें. तो ये स्कूल में इस तरह का एक कल्चर जनरेट हो जो कि हर किसी को, बच्चों को इनकरेज करे. कभी कभी वो साल में एक बार उन्हें म्यूजियम ले जाएं, और सारे म्यूजियम्स जो हैं 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल के लिए तो फ्री हैं सर. और नहीं तो जितने स्टेट के म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, कहीं एक रुपए का टिकट है, कहीं पाँच. और स्कूल के लिए जहाँ जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो अगर हमारे टीचर्स मिल के बच्चों को ले जा रहे हैं कहीं, और वो अगर पहले से म्यूजियम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम अपने बच्चों को, इस क्लास के बच्चों को ला रहे हैं, नौवीं के हैं या दसवीं के हैं, तो म्यूजियम्स उनके लिए लोगों को एलोकेट करती है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू शेयर जो भी हमारे पास है, जो हम उसको दिखाना चाहते हैं, वो बंद करके रखने के लिए नहीं है. तो वो एक इनकरेज, और वर्चुअल म्यूजियम्स जो हैं ऑनलाइन भी गैलरीज हैं या वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो देखे जा सकते हैं. बल्कि जैसे मैम बोल रही हैं, मैं तो क्योंकि आई वर्क इन द म्यूजियम स्पेस, दैट इज़ माई ऑफिस, आई कीप सीइंग कि कई बहुत यंग बच्चे आते हैं, मतलब जिन टाइप के बच्चों को हम एड्रेस कर रहे हैं अभी, एंड दे हैव देयर यूनिक वेज ऑफ एक्सप्लोरिंग द म्यूजियम विच वी माइट नॉट इवन नो ऑफ. सो दे कम, दे स्केच, आजकल सब स्केचिंग ड्राइंग कर रहे हैं, दे कम, दे डू फोटोग्राफी, एवरीबडी इज डूइंग फोटोग्राफी, दे कम, दे फॉलो अस ऑन फेसबुक, दे फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दे कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट्स. फिर जाके वो कोई एक मिथ ले लेंगे, जैसे हिंदुइज्म का या किसी भी स्टोरी से रिलेटेड, सो दे राइट देयर ओन स्टोरीज ऑल्सो. तो आपके जितने क्रिएटिव फैकल्टीज हैं, दे गेट अ वेरी गुड बूस्ट, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट दैट इज लाइंग देयर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू मूव यू, टू यू नो, टू बी एबल टू गिव यू समथिंग मोर दैट यू डिड नॉट हैव बिफोर यू सॉ इट. इट इज़ डेफिनेटली very very fruitful to visit, to be there, to see, to sit and to experience. That's ma'am, you had said that we are trying to develop a culture to visit museum, right? Yes. This is what you said. So bachcho ka sawal tha ki hum museum kyon jaye, aisa kya hai jo maine aapko bataya. Aapne samjhaya, jab tak aap jayenge nahi tab tak aapko payenge nahi lagega ki wahan kya cheeze hain, kya hota hai. Haan ji, इसलिए जाना ज़रूरी है. म्यूज़ियम आप तक चल के कोशिश करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, पर वो उस या फिर वर्चुअल, जैसे जिसकी हमने बात की कि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, पर फिर भी आपको वो अनुभव नहीं होगा जो एक म्यूज़ियम में होगा जाके. ठीक है ना, तो इस वजह से ज़रूरी है कि जाएँ, देखें. और ऐसा होता है कि हम कई बार कोई शहर विज़िट कर रहे होते हैं,
तो हम वहाँ का भी पता कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या है कि कोई ऐसे जगह चले जाते हैं जो पार्क है या म्यूज़ियम में जा कर के देखें, तो हमारे यहाँ बहुत सारे इतना कुछ कलेक्शन है। आप चेन्नई म्यूज़ियम ले लीजिए, मीलों मीलों चलना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी जो मुंबई है वहाँ पर जाइए, मतलब छोटे म्यूज़ियम हो बड़े हो बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो चीज़ें, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी नहीं डाल सकते कि हमने गैलरी बना के, हम उसमें भी फिर सिलेक्शन करते हैं कि हम ये 10 चीज़ें डिस्ट करें उसमें, या पर वहाँ जा कर के जो देखने का अनुभव है, जो लर्निंग होती है ना, वो अपने आप में यूनिक है। और ये कल्चर डेवलप करने के लिए एक इसके पीछे मेरा एक और भी मकसद, ये हमारा मेरा से मतलब कि एनसीईआरटी का या शिक्षाविदों का है कि बच्चों को अपने ही नॉलेज ट्रेडिशन के बारे में जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक एक्सपोजर नहीं होगा उनका, म्यूज़ियम्स में नहीं देखेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, तब तक वो अपना भविष्य के लिए क्या करना है ये जो है पाथ चौक आउट करना, या अपने पास्ट पर गर्व करने की जो बात होती है, तो कई बार आप बच्चों से कि मतलब ठीक है ये था ऐसा था, पर वो था नहीं है, वो आज भी है, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर लिविंग हमारे जिसको कहते हैं जनमानस में होता है वो सारा कुछ। तो उन चीज़ों को भी तभी वो अप्रिशिएट कर पाएंगे, उस पर गर्व कर पाएंगे जब वो उसको महसूस करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आके जैसा कहा कि स्केचिंग करेंगे, उसके विषय में लिखेंगे कुछ कि हमने क्या देखा। और हर आर्टिफैक्ट की हर उसके कुछ भाषा होती है, कुछ वोकेबुलरी होती है, वो भी फिर वो धीरे धीरे उनको समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें हमारे पास से के सोर्सेज से कनेक्टेड हैं, न्यूमिस्मेटिक्स है, एपिग्राफी है, के ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को स्कूल से ही पता हो, तभी वो आगे जा कर के उसको करियर के रूप में ले सकते हैं। म्यूज़ियम से रिलेटेड किसी ने पूछा भी है सवाल, तो देर आर सो मैनी थिंग्स दे कैन डू विद दैट, दे कैन हैव अ थ्रू एंड थ्रू जर्नी इन टू आई थिंक 7,000-5,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज म्यूजियम कलेक्शन एटलीस्ट एट नेशनल म्यूजियम स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड pre-history, proto-history and then history. Right. So if you want to just see that how from stone tools we came to smartphones, I think a walk in the National Museum is enough to, with proof, you know, with evidence that how did we evolve this far and so far. Right. They can have a just. So I'll just read out the exact question which had been asked by Rohan Lalit, Mr. Rohan Lalit. I am really interested in making my career in museum education. How can I pursue museum education after 12th? Okay. I'll take this question then. Okay. I was talking that how museum profession has actually opened many more professions. So you have archaeologists, you have museologists, you have curators, you have epigraphists, you have art critics, you have art historians, you have historians, you have conservators. All these people, they come together to make a museum. Right. Because archaeologists are going to excavate. Museologists and other art historians are going to help in dating the object and trying to understand what it is actually. Right. Then conservators are going to do treatment, you know, so that it lives. Mm-hmm. At least decay is a natural process, but we can delay the decay. So they do the necessary treatment. Then there are epigraphists who are going to read the script that is written on it, because script will also tell kisne banaya, kab banaya, kyun banaya, kis raja ne isko commission kiya banane ke liye, aur ye kahan sthapit kiya gaya, is tarike ki cheezein. So for that you need epigraphists. Right. So all these avenues, they open up when after class 12th, or you can start preparing much earlier also, because you can keep visiting the museum and have a small notebook of yours where you keep noting down of, okay, I've seen this object, maybe this can be made into a film also, because nowadays students are not really interested in very conventional careers. They want to see much more. Right. And museums are the spaces which can give that required creative trigger to them. Ki humne ye dekha hai, lekin hum wo nahi karenge jo logon ne 200 saal tak kiya hai iske saath. We are going to do something new more with it. To that. And now museums are ready for such kind of dynamic visitors to come. Okay.
So next, ma'am, we would like to understand what are the specific ways by which museum are actually encouraging people to learn, particularly the students. Okay, so like we said, first of all, I would also like to introduce a term that I keep talking about called the young audience. Hmm. So when we say school children are going to learn, it looks like as if school children don't know anything and museums know everything. So it is actually a two-way process. It is not really something that, okay, museum is like this monolith of something aur aap aayenge aur aap wahan se seekh ke jayenge. Balki now I think we need to ingrain this in students. What can you teach the museum? How can you make the museum space better? Because you have to take it forward from here. Right. We have got it this far and you have to take it further from here. Now, what can you do? You can, like we said, of all those things, not going to repeat all of that. But they are responsible. Let's look at school children as people who are going to guide us. Let's empower them. Let's not always keep them at the receiving end. Right. Let's start taking from them. Mm. And the other thing is, young audience is like when I visit the museum with my parents. Mm. My parents are also students there because they don't know. Maybe I become the teacher there because my mother, my grandmother, my nani, dadi, mausi, bua, they have not seen the museum, but I have read about this in my textbook and I go there and become their guide. So, thoda sa yadi hum equation ko change kar dein aur ye soche ki hum school ke bachchon se kya le sakte hain ya school ke bachche is institution ko aage kaise le ja sakte hain, I think this is how we should go about it. Okay. Yeah. पर थोड़ा दोनों ही ओर से क्या है शिल्पा, कदम उठाने की ज़रूरत है कि स्कूल और बच्चे, पेरेंट्स भी थोड़ा, क्योंकि आजकल जो एक ट्रेंड है कि इवन हम पेरेंट्स को भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों. नॉट दैट कि वो स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हों, बट उनको जो सपोर्ट एक देना है, एक्सपोजर, तो उनकी मदद कर सके, उनके साथ में ये रख सके. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर म्यूज़ियम चाहता है कि बच्चे और लोग उनके यहाँ आएँ, यंग ऑडियंस हो, हर तरह, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं. आप देखेंगे कि 90 साल के भी लोग आते हैं जो फिर वो व्हीलचेयर भी चाहिए उनके लिए, सारी सुविधा होती है स्कूल के बच्चों जैसे ही है वहाँ पर. तो स्कूल के लिए म्यूजियम्स आर ऑलवेज ओपन. और अगर थोड़ा सा स्कूल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करें, उसमें कुछ एक्टिविटीज़, हमारे टीचर्स को भी थोड़ा ये इस चीज़ के लिए कि वो म्यूज़ियम जाएं तो बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती है, पहले से एक्सप्लोर कर लें इंटरनेट के थ्रू या जा करके कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं. अब नेशनल म्यूज़ियम इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि आप उसकी एक गैलरी देखने में भी सारा दिन लगा सकते हैं और पूरा म्यूज़ियम भी आप दौड़ भाग के देख सकते हैं. तो वॉट इज़ आवर फोकस? टीचर्स हैव टू प्रायोरिटाइज दैट ऑल्सो कि हम आज इंडस वैली पर ही कंसेंट्रेट करेंगे या आज हम मॉरियन पीरियड पर ही करेंगे और फिर उसकी स्टडी. तो ये अलग अलग सवाल है कि एक थोड़ा सा हमें उनको इग्नाइट करने, खोलने की ज़रूरत है. म्यूजियम्स आर ऑलवेज रिसेप्टिव. इनफैक्ट नेशनल म्यूजियम में डॉक्टर बी आर मनी, हु इज द डायरेक्टर जनरल, ही डिड समथिंग वेरी यूनिक दैट वाज नेवर डन इन द म्यूजियम बिफोर. वी इनवाइटेड अ वेरी यंग स्कॉलर, 16 ईयर ओल्ड स्कॉलर हु नोज एपिग्राफी, हु नोज अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, ही नोज हायरोग्लिफ्स फ्रॉम इजिप्ट, ही नोज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया. सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम वेन इन द ऑडियंस वी हैड ऑल द ओल्डीज, ऑल द सो कॉल्ड अकेडमिशियंस who were listening to a boy of 16-year-old who was giving us lectures. Right. So you can come to museum not only to learn, but also if you're an expert of certain thing, if you've made a project, you can approach us that, you know, we have worked on this based on our school book. This is our project. Can we make a presentation? So you become, time and again, I keep focusing on how they can be the leaders. And museums will do accordingly. Okay. They can follow. So here, Ms.Komal, I would like to ask you, on the behalf of Lima Qureshi, does National Museum have any outreach program for students or teachers? Definitely. We have a very, very great lecturing and education department and they take care of all the projects of if school children are visiting, if disabled children are visiting. Mm. And you can book in advance, you can talk about it. Mm. And then accordingly, we arrange for such a thing. Okay. Another thing we do at National Museum when you talk about outreach is publications. Hmm. We keep doing our own publications. We
also do something very interesting that we have merchandise. What we do in that, we have t-shirts that have objects from Harappa period, for mm-hmm. instance. We have earrings that belong to some medieval period ka copy hai, for instance. So what they do, that not only is it for education purpose, but if you have a very dear friend whose birthday is coming up, so you need not go to brand store and buy something, but you can come to us at the museum. You can buy a t-shirt from there, because when your friend is going to wear that Nataraj that comes from 10th century of right. Chol period, he can, 10th, 11th century, he can say that, achha, ye maine National Museum se kharida hai tumhare liye. Right. So we have those t-shirts with a little history of where that object is coming from and how this particular t-shirt is a very unique gift right. that you can get from any other store. So, today we understood about the role and importance of museums in our school education. Thank you to both of you for sharing such useful information. Thank you. Thank you for having us. So, if you have any query or the question related to our today's episode, then you can dial into our toll-free number or can drop an email to us. Till then, take care and keep watching Kishore Manch.